हेलो व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप गेस करिए कि हम लोग आए कहाँ पे हैं। मतलब स्ट्रॉबेरी देख के आपके दिमाग में क्या ख्याल चल रहा है, हम लोग कहाँ हैं? फटाफट गेस करिए, कमेंट्स करिए कि हम लोग अभी किधर हैं। देखते हैं 2 सेकंड के अंदर जिसके कमेंट्स आ गए वो 500 रुपीज़ तुरंत लेने के लिए उसके अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र होंगे। फटाफट आप चेक करिए। ओह माय गॉड, 2 सेकंड ख़त्म हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग बताते हैं, आइए हम आए हैं महाबलेश्वर मंदिर में। तो देखते हैं, वैसे यहाँ कैमरा ले जाना मना है, लेकिन सही में बहुत ही यूनिक जगह, आप लोग ज़रूर आइएगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट पॉइंट्स भी हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लोग मंदिर, मेन मंदिर को कवर करते हैं। ये देखिए ऊपर यहाँ का पताका है, हमेशा लहराती रहती है, जो हमेशा लहरानी ही चाहिए। हाँ, और ये देखिए अंदर जैसे ही हम लोग, ये बाहर की सराउंडिंग है, और ये जो आप गार्डन टाइप देख रहे हैं ये जस्ट मंदिर के पीछे साइड पे है, लेकिन इसको बंद कर रखा है, ये बंद रहता है। बाकी यहाँ से अगर आगे जाके देखें व्यू बहुत ही अच्छा है, लेकिन कुछ यहाँ का है कि अभी इसे काफ़ी टाइम से इसको बंद कर रखा है, यहाँ पर जाना अलाउ नहीं है आगे। और ये मंदिर के अंदर है, कुछ सेकंड के लिए मंदिर में कैमरा अलाउ किया गया है। यहाँ आगे शिवलिंग की खास बात बताऊँ कि यहाँ के जो शिवलिंग है वो रुद्राक्ष की शेप में है, रुद्राक्ष की ही तरीके की शिवलिंग है, जो बहुत ही अपने में खास है। और मराठाओं द्वारा ये, मतलब ये कहते हैं कि इसकी, इनकी जो स्थापना मराठाओं द्वारा की गई थी, स्वयं शंभू नाम से ये शिवलिंग है यहाँ पर। और ये जैसे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, जो एंशियंट जो चीज़ों को का, मतलब स्टोर्स आप कह सकते हो, बहुत ही यूनिक है जो अपने में। आप देख रहे हो यहाँ पे बड़े बड़े हाथी और इस तरह के रखे हुए हैं, और बहुत सी मूर्ति, बहुत ही ज़्यादा कलाकृतियाँ यहाँ रखी हुई हैं जो सारी मेटल की बनी हुई हैं और बहुत ही अच्छी है। यहाँ से हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग भी करी है, और फिर हम जैसे यहाँ आप देख सकते हो, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा यूनिक है, जो बहुत हैवी उसमें भी है, मतलब बहुत ही हैवी भी है ये। और यहाँ से पर्स और आप देख सकते हो, गॉगल्स की पूरी शॉप है ये। यहाँ का ये मार्केट है जो बहुत ही चलता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ से हम लोग फिर आए हैं यहाँ पे, ये पंच गंगा मंदिर है, जो मतलब महाबलेश्वर जो क्षेत्र है उसी के अंदर ही आता है। और यहाँ बीच में गणेश जी बैठे हुए हैं, जो ये अंदर मूर्ति है, और इसके आगे गौमुख है, जिससे 5 नदियों का ये संगम है, जो बता रहे हैं कि आगे की तरफ से यहाँ से निकलता है। इसमें कृष्णा नदी भी शामिल है, और कहा जाता है कि मतलब काफ़ी ऐसे 7 सालों में, मतलब कुछ ऐसा होता है 60 साल बाद कि यहाँ पे सरस्वती भी, गंगा का कभी कभी जल यहाँ पे आता है। तो जो 5 नदियों का संगम है वो कभी कभी 8 का हो जाता है, 2 नदी और यहाँ पे कभी कभी आती हैं बहुत लंबे समय बाद। ये इंटरवल जो बहुत लॉन्ग इंटरवल होता है उसके बाद ऐसा होता है। और वैसे ये जो मंदिर बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा, आप यहाँ पे जरूर रहिए, बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पे आके। और यहाँ हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया, तो आप लोग यहाँ जरूर आइएगा। मैंने बहुत ही फोटोग्राफ्स वगैरह के लिए वीडियो से बनाया, बहुत ही अच्छा लग रहा, बहुत यूनिक। आप यहाँ पे खुद जाके बैठो, बहुत ही शांति मिलेगी आपको, बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पे जरूर आइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि बाकी लोग महाबलेश्वर के जो ये मंदिर है उनके दर्शन कर सके। और यहाँ के जो टूरिस्ट पॉइंट है वो आने वाली वीडियो हम लोग कवर करेंगे, तो वीडियो जरूर देखिएगा आगे, शेयर भी।